फिनलैंड यूरोप का एक ऐसा देश बन गया है जहां अब बेरोजगारों की चांदी ही चांदी है। सरकार ने बेरोजगार नागरिकों को हर महीने $587 यानी 40,000 रुपए देने का फैसला किया है। फिनलैंड का यह कदम देश से गरीबी दूर करने और बेरोजगार नागरिकों को मूलभूत अधिकार उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। सरकार इस योजना की मदद से अपने नागरिकों में नौकरी करने की आदत डलवाना चाहती है, क्योंकि फिनलैंड में बेरोजगारी दर 8.1% है, जिसकी वजह से 55 लाख की आबादी वाले फिनलैंड में 2,13,000 लोग बेरोजगार है। फिनलैंड सरकार की एजेंसी KELA के मुताबिक यह ट्रायल 2 साल के लिए शुरू किया गया है और इसके लिए 2,000 बेरोजगारों को चुना गया है, जिन्हें 1 जनवरी से इस सुविधा का फायदा मिलेगा। इस सुविधा को पाने वाले लोगों को यह भी बताना होगा कि वो इसका कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल फिनलैंड में छोटे मोटे काम करने से लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि जो भत्ते सरकार देती है वो कम सैलरी पर काम करने वाले लोगों को नहीं मिल पाते। इसी वजह से ज्यादातर लोग कम तनख्वाह पर काम करने के बजाय काम ही नहीं करते, और यही वजह है कि फिनलैंड में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर भत्तों की जगह बेसिक सैलरी दे दी जाए तो लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा बेसिक सैलरी के रूप में मिलेगा और वो काम करने के लिए भी प्रेरित होंगे, क्योंकि ऐसे में उन्हें पता होगा कि घर बैठे कोई दूसरा भत्ता नहीं मिलेगा। हालांकि आलोचकों का मानना है कि सरकार की इस योजना से लोग और भी ज्यादा आलसी हो जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि फिनलैंड से पहले स्विट्जरलैंड में भी मुफ्त सैलरी का प्रस्ताव रखा गया था, जिससे लोगों ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वो सिर्फ काम के बदले ही पैसा लेना पसंद करते हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।